बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बजट सत्र के दौरान मंगलवार को तेजस्वी यादव ने विधानसभा में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के मुद्दे को उठाया। तेजस्वी ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार 15 मई से बिहार में एनपीआर पर काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में सरकार बताए कि बिहार में एनपीआर 2010 के फॉर्मेट के अनुसार होगा या 2020 के फॉर्मेट के अनुसार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी के सवाल पर कहा कि एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर अभी औपचारिक अधिसूचना नहीं जारी की गई है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, इसमें कहा गया है कि एनपीआर 2010 के फॉर्मेट पर ही हो, उसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर का नया कॉलम जोड़ा जाए। एनपीआर पर किसी को कन्फ्यूजन में रखने की बात ही नहीं है। नीतीश ने कहा कि 2020 के फॉर्मेट पर एनपीआर होना कुछ लोगों को खतरा है। अगर एनपीआर में कुछ खास जानकारी ली जाती है और भविष्य में कभी एनआरसी होती है तो उन्हें परेशानी होगी, इसलिए 2020 के फॉर्मेट पर एनपीआर नहीं होना चाहिए। नीतीश ने कहा कि एनआरसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जब इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है तो फिर चिंता क्यों, एनआरसी का कोई तुक ही नहीं बनता। जहां तक सीए का मुद्दा है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में एनपीआर 2010 के फॉर्मेट पर ही होगा। नीतीश कुमार की घोषणा पर कोई संदेह नहीं है, जब 2010 में दस्तावेज नहीं मांगा गया था तो 2020 में भी नहीं मांगा जाएगा, किसी को कोई पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक और विवाद बिहार की राजनीति में शुरू हो गया है। आज फिर से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात किए, इस दौरान भी एनपीआर और एनआरसी को लेकर बातें हुई। एनआरसी को लेकर खास तौर पर तेजस्वी यादव का यह कहना था कि अगर नीतीश कुमार एनआरसी के विरोधी हैं तो फिर वो अधिसूचना लाकर इसे सिरे से नकार दें। सीए पर समर्थन करना और एनआरसी पर समर्थन नहीं करना, ये कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा है। इसके साथ ही एक तरह से तेजस्वी यादव ने कल राबड़ी देवी के बाद ये जरूर बिहार की राजनीति में एक नया पेंच ला दिया कि नीतीश कुमार के साथ उनकी नज़दीकियाँ हो सकती हैं। कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों के तहत पहले तो भाजपा से अलग होना पड़ेगा और साथ ही साथ एनआरसी और सीएए पर महागठबंधन का स्टैंड लेना होगा। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार चुनावी साल में आखिर किस तरफ जाते हैं, क्या महागठबंधन की तरफ उनका रुझान होगा या फिर भाजपा के साथ जो अब तक 2017 से काफ़ी अच्छी निवृत्ति आई है उसे ही 2020 में भी वो कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।